आम आदमी पार्टी एक साफ पार्टी है जो अच्छा काम कर रही है शिक्षा के क्षेत्र में भी। किसानों से जुड़े हुए थे पहले जो पार्टी थी, अब जो है किसान आंदोलन हुआ, दुष्यंत चौटाला ने बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं किया, उसे सपोर्ट करना चाहिए था किसानों का। अभी तो कुछ कह नहीं सकते, वैसे देखा जाए तो कांग्रेस यदि एक होती है तो शायद कांग्रेस की आ जाए, नहीं तो इस वजह से मैं मानता हूँ जेजेपी खत्म हो जाएगा। जेजेपी का तो ग्राफ अभी थोड़ा नीचे ही चला हुआ है, 10 से नीचे आने वाला। नमस्कार, सबका एक ही सवाल कि 2024 में हरियाणा में किसकी बनेगी सरकार, कौन मुख्यमंत्री होगा, कौन सी पार्टी कितनी सीट लेकर आएगी और कौन सी पार्टी धाराशाही हो जाएगी। एक भाई है हमारे नरवाना से, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है फूल कुमार पुनिया। पुनिया जी, क्या लगता है 24 में किसकी सरकार बन रही है हरियाणा में? अभी तो कुछ कह नहीं सकते, वैसे देखा जाए तो कांग्रेस यदि एक होती है तो शायद कांग्रेस की आ जाए, नहीं तो फिर दोबारा से आएगी, मेरे ख्याल से बीजेपी आएगी दोबारा, बीजेपी यानी कांग्रेस की और भाजपा की आप टक्कर मानते हैं। तो एक अगर हो जाए, आपने कहा कि कांग्रेस अगर एक हो जाए, तो क्या अभी कांग्रेस एक नहीं है? नहीं लगता तो नहीं है, ये आपस में झगड़ते रहते हैं। कौन कौन झगड़ता है, क्या हुड्डा साहब झगड़ते हैं, कुमारी शैलजा झगड़ती है, किरण चौधरी झगड़ती है, सुरजेवाला कौन झगड़ता है? अभी तो मैंने जो न्यूज देखी है उसमें तो किरण चौधरी झगड़ा कर रही थी। किरण चौधरी झगड़ा, हाँ। तो क्या लगता है कि भाजपा इसको टक्कर देगी? जेजेपी का क्या मानते हैं आप, नरवाना के रहने वाले हैं, सीट सारी पूरी जिंदगी सीटें जेजेपी को आपने दे रखी है, तो क्या लगता है जेजेपी किस पायदान पर रहेगी, कितनी सीटें जीतेगी? अभी जेजेपी का तो ग्राफ अभी थोड़ा नीचे ही चला हुआ है, 10 से नीचे आने वाला है, 10 से सीटें घटेंगी बढ़ेंगी हो सकता है। और इनेलो अभय चौटाला एक ही विधायक है, अब क्या उनके विधायक बढ़ने वाले हैं या वो भी बाहर आने वाले विधानसभा से? नहीं, अभी जैसे वो मेहनत कर रहे हैं उसके हिसाब से कुछ न कुछ तो उनकी ग्रोथ होगी, देखो ग्रोथ होने वाली, क्योंकि उनका परिवार टूट गया था जी, उस वजह से नुकसान तो होता है। हाँ। लेकिन पुनिया साहब, आम आदमी पार्टी अपनी झाड़ू लेकर दिल्ली पंजाब होती हुई हरियाणा में प्रवेश करने की बाट देख रही है, क्या उम्मीद है कि एक आध सीटें आएंगी या सरकार बनाएंगी? बस हो सकता है उनका अब की बार जो जीरो का उस टैग लगा हुआ है वो टूटे, खाता खुल जाए, बस यही हो सकता है, यही हो सकता है। आगे नहीं, कोई जनाधार नहीं है उनका? नहीं, कोशिश तो वो कर रहे हैं उनके वर्कर, बट मुझे नहीं लगता कि कुछ हो। चलिएगा, पुनिया साहब की राय थी, अभी और लोगों की क्या राय है वो भी आपको मैं बताऊंगा, बस आप बने रहिएगा हरियाणा आज के साथ। है हरियाणा से, उनसे जान लेते हैं, भाई साहब क्या लगता है 2024 में किसकी सरकार आ रही है हरियाणा में? बीजेपी तो नहीं आएगी, बीजेपी नहीं आएगी, दूसरी कोई भी है उसका मैं कह नहीं सकता। क्या लगता है अगर बीजेपी नहीं आती है तो कौन सी पार्टी आएगी? ये तो मैं नहीं कहना चाहूंगा, कुछ भी आएगी, जेजेपी आएगी, नेलो आएगी, आम आदमी का झाड़ू चलेगा? आम आदमी का भी चल सकता है झाड़ू, चल सकता है। वजह क्या मानते हैं कि आम आदमी पार्टी आ सकती है? आम आदमी पार्टी एक साफ पार्टी है जी, जो अच्छा काम कर रही है शिक्षा के क्षेत्र में भी जी, मेडिकल के क्षेत्र में भी और सभी क्षेत्र में अच्छा काम कर रही है, दिल्ली में भी। दो मंत्री अंदर चले गए हैं, फिर भी अच्छा काम, देखो ये अंदर तो देखो सरकार है, तानाशाही सरकार है, मुझे अंदर घेर देगी, आपको अंदर घेर देगी, जो उसके खिलाफ बोलेगा अंदर घेर देगी, मानते तानाशाही सरकार? बिल्कुल बिल्कुल, 100%। और जेजेपी है दुष्यंत चौटाला युवाओं की पहली पसंद थी, क्या लगता है जेजेपी भी अच्छे विधायक बनाए? जेजेपी पार्टी जो है वो मेरा ये अपना ओपिनियन है वो खत्म हो जाएगी, खत्म हो जाएगी बिल्कुल बिल्कुल, उसकी वजह क्या मानते? उसकी वजह है वो किसानों से जुड़े हुए थे पहले जो पार्टी थी, अब जो है किसान आंदोलन हुआ, दुष्यंत चौटाला ने बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं किया, उसे सपोर्ट करना चाहिए था किसानों का जी, तो इस वजह से मैं मानता हूँ जेजेपी खत्म हो जाएगी। अगर आप मानते हैं कि जेजेपी खत्म होगी तो क्या फिर इनेलो खत्म होगी या फिर कोई उभर के आने वाली? देखो वो तो बहुत टाइम लगेगा उन्हें उभरने में, मेहनत करेंगे, अच्छा काम करेंगे तो उभरेंगे, जरूर उभरेंगे। चलिए यहाँ पर फाइट मानते हैं, अब दूसरे को भाइयों से जानते हैं जी, भाई साहब ने हाथ कर दिया, शायद नहीं करना चाहते, भाई दूसरे हैं उनसे जानते हैं, भाई साहब क्या लगता है किसकी सरकार बना रहे हैं हरियाणा में? हरियाणा में हम बनाए हैं कांग्रेस की सरकार। कांग्रेस की सरकार, हाँ। क्यों बना रहे हैं, वजह क्या है? वजह तो ये है कि बीजेपी नहीं आएगी,
मन बना लिया हमने हरियाणा वालों ने। क्या कर दिया? एक तो खट्टर सरकार को बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, ना तो शिक्षा के क्षेत्र में कोई काम किया जा रहा है। अनएम्प्लॉयमेंट में हरियाणा नंबर वन पे है पूरे कंट्री में, तो वैकेंसी निकालते हैं, फंड इकट्ठा करते हैं और फिर कैंसिल हो जाती है। यह चल रहा है, हाँ स्टे हो जाता है। बाकी ये काम तो हुड्डा सरकार में भी हुआ था, फिर हुड्डा को क्यों? हुड्डा सरकार में कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा जॉब थी अगर आप कंपेयर करो, और फील्ड में भी काफी अच्छा वो था। यहाँ पे तो कांग्रेस की टक्कर किससे मान रहे हैं हरियाणा में? कांग्रेस की आम आदमी पार्टी से। आम आदमी से क्या लगता है कि आम आदमी पार्टी कितनी सीट ले जाएगी? रहेगा पूरा टक्कर में रहेगा, बराबर टक्कर में। तो बीजेपी किस पायदान पर रहने वाली है? बीजेपी बिल्कुल एक भी सीट नहीं, बिल्कुल नीचे। और जेजेपी कहाँ रहेगी? जेजेपी का कम है क्योंकि दुष्यंत चौटाला जी का जो था ना वो एकदम से उन्होंने पार्टी बदल ली थी, मतलब जो उन्होंने वादे किए थे वो उसमें बीजेपी में चले गए, वो उनसे उम्मीद नहीं थी। अभय चौटाला मेहनत कर रहे हैं, पदयात्रा भी 7 महीने लंबी शुरू की है, उसका कुछ फायदा मिलेगा क्या? उनकी कुछ विधायक आएंगे अब की बार? उनकी जो अपनी बेसिक जो उनकी जगह है वहाँ पे तो उनकी सीट निकलेगी जो है, जो उनके सपोर्ट में कुछ रहने वाली है 5-6 के आसपास। तो भाजपा को कितने सीटें दे रहे हैं आप? भाजपा को एक भी नहीं दे रहे हैं, एक भी नहीं। भाजपा को एक भी सीटें नहीं दे रहे। देखिए सबकी अपनी अपनी मिली जुली प्रतिक्रियाएं हैं, सभी के मिले जुला विचार हैं। कोई चाहता है कि भाजपा आए, कोई चाहता है कांग्रेस आए, और कोई तो आम आदमी पार्टी को भी चाहता है कि आगे बढ़े, वो सरकार बनाए। अब एक और भाई साहब हैं, उनसे भी जान लेते हैं। भाई साहब चल गए। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मीडिया के साथ, मीडिया के कैमरे को, मीडिया के माइक को देखना तो चाहते हैं लेकिन बात करने के वक्त पे वो थोड़ा सा पीछे सरक जाते हैं, एक कदम पीछे। चलिएगा, आपकी क्या राय है हमें जरूर बताइएगा, कमेंट के माध्यम से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, और बताइएगा जरूर किसकी सरकार बन रही है। दीपक के साथ यशपालगंज।